जो चीज़ें मैंने आपके अंदर देखी हैं कि आप कितने अच्छे हो, आपके अंदर सच में यीशु रहता है। आप इंसानों की तरह नहीं देखते हो, आप परमेश्वर की तरह देखते हो, और मैं हमेशा हार्ट में आपको महसूस करती हूँ और मैं दिल से आपसे प्रेम करती हूँ। जेम्सी के बेटा, क्या बात है, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? मम्मा, आपसे कुछ बात करनी थी मैंने। क्या बात करनी है, बोलिए। मम्मा, चर्च के बहुत से काम पेंडिंग पड़े हैं और बहुत से इनकम है जो करनी है, अभी पेंडिंग पड़ी है, और चर्च के बहुत से ऐसे काम हैं जो करने हैं हमने, और अभी शेड का काम भी चलाना, तो ये सब कैसे होगा मम्मा, बहुत से काम पड़े हैं। कोई बात नहीं बेटा, हमने चिंता नहीं करनी, हमने परमेश्वर पे विश्वास रखना है। वो सच्चा परमेश्वर है ना, उसने अब तक हमें संभाल के रखा है, उसने अब तक हमें फलवंत किया है, बढ़ाया है, वो आगे भी बढ़ाएगा। हमने अपना अपने दिमाग का सहारा नहीं लेना, हमने संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना है। वो सच्चा परमेश्वर है और जिसने अब तक हर एक चर्च की भरपूरी की है वो आगे भी करेगा। अच्छा देखो, मेरे अकाउंट में पैसे कितने पड़े हुए हैं? मम्मा, 10,000 पड़े हैं। अच्छा, एक काम करो, ये जितने पैसे पड़े हैं सारे निकाल के ऑफरिंग में बो दो। ठीक है, परमेश्वर सारे बंद रास्तों को खोलेंगे। ठीक है मम्मा। मम्मा, और आपसे कहना था कि बहुत से लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं और कॉलिंग पे भी पता लग रहा है, कॉल सेंटर्स पे, कि बहुत लोगों के ऊपर अब स्टाफ हो रहा है, बहुत से लोग हैं जो स्टाफ के कारण आज मर रहे हैं, और बहुत से पास्टर्स भी ऐसे हैं जो आज स्टाफ के कारण मर रहे हैं। तो बहुत कुछ ऐसा चल रहा है, बुरा चल रहा है संसार में, और जो जो परमेश्वर में चलना चाहते हैं और पर उनके ऊपर बहुत ऐसा स्टाफ हो रहा है। मम्मा, कैसे होगा ये सब कुछ? बेटा, ये प्रभु के आने के चिन्ह है ना, यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं, और ये यीशु मसीह के आने के चिन्ह है। जैसे वचन में लिखा है, बहुत से लोग मारे जाएंगे, सताव आएगा, तो ये परमेश्वर के आने के चिन्ह है। कोई बात नहीं, हमने चिंता नहीं करनी है, परमेश्वर हमारे साथ है ना। अगर हम जिंदा रहेंगे तो परमेश्वर के कामों को करेंगे, और अगर हम मर जाएंगे, सिर भी कट जाएगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी हम परमेश्वर की वेदी के सामने सिंहासन के पास रहेंगे। और बात रही लोगों की, देखो बेटा, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोग बचाए जाएं। देखो चर्च में 24 घंटे प्रेयर चल रही है और इतनी फास्टिंग चल रही है, हम पूरी आत्मिक तैयारी करवा रहे हैं। देखो संडे को मीटिंग चल रही है, थर्सडे को चल रही है, और ट्यूसडे को ले हैंड चल रही है, और देखो जैसे लोग दूर हैं वो आ नहीं पाते, उनके लिए हम जूम पे प्रेयर करते हैं। हम तो पूरा काम करते हैं ना, और देखो अगर जो यीशु से प्यार करते हैं ना, वो सब कुछ सह लेंगे, चाहे उनको सताव हो, चाहे उन्हें दुख हो, चाहे उन्हें कितना भी विरोध हो, वो सब कुछ सह लेंगे, क्योंकि वो यीशु से प्यार करते हैं। और बात रही उनकी, कुछ ऐसे लोग हैं ना जो अब तक शारीरिक हैं, जो जिन्होंने अभी तक प्रभु को नहीं जाना है, वही है जो परमेश्वर से दूर होंगे। तो हमने चिंता नहीं करनी है, हम तैयार हैं, परमेश्वर के कामों में बढ़ रहे हैं, और हमने पहले अपना ध्यान रखना है। अगर हम तैयार हैं आत्मा में, तो हम फिर दूसरों को, कलीसिया को भी बचा सकेंगे, है ना। तो हमें इसमें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम परमेश्वर के राज्य को और बढ़ा सकें। जय मसीह। मम्मा, सिकी मम्मा आपसे एक सिस्टर मिलना चाहते हैं, वो बहुत दुखी और परेशान है। बुला लो उनको, मिल लेते हैं उनसे ना। मम्मा पहले आप खाना खा लो, खाना ठंडा हो रहा है ना। नहीं कोई बात नहीं, खाना बाद में खा लूँगी ना, वो दूर से आए हैं, पहले उनसे मिल लेती हूँ ना। मम्मा आपकी फास्टिंग थी। कोई बात नहीं बेटा, मैं बाद में फास्टिंग खोल लेती हूँ, ये तो मेरा रोज का काम है ना। कोई बात नहीं, पहले मैं उनसे मिल लेती हूँ। जय मसीह की मम्मा। जय मसीह की। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो आप? मम्मा मेरा नाम संगीता है और मैं लखनऊ से हूँ। क्या हुआ बेटा आपको, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? मम्मा मम्मा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में। मम्मा क्या हुआ, आप मुझे बताओ क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? मम्मा मैं कैसे बताऊँ, मम्मा मैंने इतने पाप किए हैं। मम्मा मैंने प्रभु के विरुद्ध बहुत सारे पाप किए हैं, और मुझे नहीं लगता मम्मा कि प्रभु मुझे माफ़ करेगा, क्योंकि वो नहीं करना चाहिए था जो मैंने किया है,
परमेश्वर जिसे सबसे ज़्यादा नफरत किया कर जिस पाप से प्रभु सबसे ज़्यादा नफरत करता वो सारे पाप मैंने किए हैं मम्मा। कोई बात नहीं बेटा, प्रभु धर्मियों के लिए नहीं आया, परमेश्वर पापियों के लिए आया। परमेश्वर हर एक जन से प्रेम करता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने हम पापियों के लिए अपनी जान दे दी। वो हमसे प्रेम करता है मम्मा। मेरा जीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है मम्मा। ऐसे लगता है कि मैं मर जाऊं मम्मा। मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता है मम्मा। मेरी फैमिली ने भी मुझे छोड़ दिया। मेरी माँ ने भी मुझे बोला कि तू मेरे लिए मर गई है मम्मा। बेटा, यीशु ने आपके लिए जान दी है। कोई प्यार करे या ना करे, लेकिन परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। I love you, mama. Mama. Mama, मुझे ऐसे लग रहा है मामा कि मुझे सब कुछ मिल गया मामा। ऐसे लग रहा है मामा कि जीने की नई उम्मीद मिल गई मामा। कोई आपसे प्रेम करे या ना करे, आपने ये नहीं सोचना कि आपने कितने पाप किए, लेकिन आपने अब ये सोचना है कि मैंने यीशु मसीह को जान लिया है और मेरे सारे पाप माफ हो चुके हैं और अब मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ। मामा, आपका बहुत धन्यवाद मामा। सच में मामा, प्रभु के बाद मामा आप ही हो मामा जो इतना प्यार कर सकते हो मामा, और कोई नहीं है मामा। आपसे यीशु प्रेम करता है और मैं भी आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। थैंक यू मम्मा, मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए मम्मा। आज से तुम मेरी बेटी हो और मेरे साथ रह के प्रभु के कामों को करोगी। और मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। थैंक यू मम्मा। कुछ भी चाहिए आप मुझसे बात करोगे। थैंक यू मम्मा। मम्मा, आपसे एक हो सिस्टर मिलना चाहते हैं, जो आपको चिट्ठी लिखते थे, रिक्वेस्ट भेजते थे। भेज दो उनको ना, मिल लेती हूँ मैं। जेम्स की माँ। जेम्स की, कैसी हो सपना, तुम ठीक हो? जी। क्या हुआ तुम्हें, घर में सब ठीक है? जी। क्या हुआ, इतने उदास क्यों, इतने परेशान क्यों हो, क्या हुआ, बात क्या है? घर में बहुत प्रॉब्लम्स है। क्या प्रॉब्लम है? मम्मा बचपन में छोड़ के चले गए और परिवार बिल्कुल सपोर्टिव नहीं। कोई बात नहीं बेटा, मैं आपके पास रहना चाहती हूँ। मैं आपकी माँ हूँ ना। आपकी माँ आपको छोड़ के चले गए, मैं हूँ ना आपकी माँ। बोलो क्या है, बताओ मुझे क्या बात है। सबने छोड़ दिया, प्रभु ने अपनाया और प्रभु ने आपका मेरे लिए इस धरती में भेज दिया। बेटा, यीशु मसीह तो जिंदा परमेश्वर है जो रियल में हमसे प्रेम करता है, और मेरे अंदर यीशु ही तो है जो आपसे प्रेम करता है। मैं भी आपसे बहुत बहुत प्रेम करती हूँ। आज से तुम अनाथ नहीं हो। कोई बात नहीं, तुम्हारी मम्मी नहीं है, तुम्हारे पापा सपोर्ट नहीं करते, मैं अपने पास आपको रखूंगी। तुम आज से मेरी बेटी हो। तुम मेरी बेटी के नाम से जानी जाओगे। तुम चर्च में रह के प्रभु के कामों को करोगे। अच्छे से रहना है, प्रभु के कामों को करना है। कुछ भी है मुझसे मिलना है, मुझसे बात करनी है। बिल्कुल भी नहीं रोना मम्मा। आपसे एक हो सिस्टर मिलना चाहते हैं, उन्होंने बहुत सी क्लीसिया चेंज करी है पर उनको कभी भी प्रभु की सामर्थ कभी महसूस नहीं हुई। कोई बात नहीं बेटा, ये तो हमारा काम है ना, परमेश्वर ने हमें चुना है इसलिए। कोई बात नहीं, उनको भी बुला लो। जय मसीह की माँ। जय मसीह की, कैसे हो तुम, कहाँ से आए हो, क्या नाम है आपका? मैं यूपी से आई हूँ, मोनी नाम है। क्या हुआ, क्या बात है? मैं
बहुत दुखी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसी जगह जाऊँ जहाँ लोग प्रेम करें और मुझे समझे, क्योंकि संसार में ना कोई नहीं समझता है कि हम कैसे चल रहे हैं, क्या करें। मम्मा, मैं बहुत से चर्चों में गई कि मैं वहाँ रह पाऊँ, प्रभु को जान सकूँ, लेकिन किसी ने नहीं रखा, सब ने मना किया। लेकिन मम्मा, जब मैं यहाँ पे आई ना, तो मैंने प्रभु की प्रेजेंस को, गहरी प्रेजेंस को महसूस किया। और मैं जब गांव में थी, मैं कभी आत्मा से नहीं भरी, लेकिन जब यहाँ पे आई तो मैं आत्मा से भरी और उस प्रभु के प्रेम को मैंने महसूस किया। और मम्मा, मैं चर्च में रहना चाहती हूँ, सेवा करना चाहती हूँ। मम्मा, क्या आप मुझे रख सकते हो मम्मा? हाँ, क्यों नहीं बेटा, ये परमेश्वर का घर है ना। अगर आप अपना जीवन डेडिकेट करना चाहते हो, आपने सब जगह पे गए, आपको किसी ने नहीं रखा, लेकिन आप यहाँ पे रह सकते हो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया था कि अंत के समय में दुनिया के छोर छोर से लोग आएंगे, सताए हुए, परेशान, दुखी, और यहाँ पे आके रहेंगे। और आप रह सकते हो, यहाँ पे रह के सेवा कर सकते हो, और जो भी आपको चाहिए, आपको जो भी सेवा दी जाएगी, आपने उसको अच्छे से करना है, अच्छे से रह के, पवित्रता में रह के परमेश्वर के काम को करना है। थैंक यू मम्मा। आप यहाँ पे रह सकते हो, ये आपका अपना घर है। कोई बात नहीं, संसार आपसे प्रेम नहीं करता। वचन कहता है ना, संसार के हम है ही नहीं, क्योंकि हम स्वर्ग के नागरिक हैं। इसलिए परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और मैं भी आपसे बहुत प्रेम करती हूँ।